आईआईटी जेई एग्ज़ाम के बारे में सबको पता है जो प्लस टू के बाद होता है, बट आईआईटी जैम के बारे में अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप साइंस में और स्पेशली आई विल टॉक अबाउट फिजिक्स, अगर उसमें आप अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं तो आप आईआईटी जैम का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसके थ्रू आप सारी आईआईटीज में डिपेंडिंग ऑन द रैंक जो आपका आएगा उसमें आप एमएससी कर सकते हैं। और आईआईटीज से एमएससी करने के बाद बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आपके करियर में ओपन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे रिनाउंड इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर सकते हो, या फिर आप बहुत सारे साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट आती है तो बिकॉज आपका बैकग्राउंड अच्छा होगा तो आप वहाँ पर भी सेलेक्ट हो सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पार्क में जा सकते हो, डीआरडीओ ज्वाइन कर सकते हो, इसरो ज्वाइन कर सकते हो, आईजीसीआर ज्वाइन कर सकते हो। सो इस तरीके की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है। तो धीरे धीरे करके मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाऊंगा और उसमें आपको आईआईटी जैम फिजिक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। थैंक यू।